हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बहुत दिन के बाद, मतलब कि 2 सालों के बाद हमें वर्कशॉप आने का फिर से मौका मिला है। तो ये रही मिस पूर्णिमा। हाय, बताओ कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आफ्टर 2 इयर्स, तो 2 साल के बाद हम यहाँ पर आए हैं। पिछले साल आए थे बट हमें ट्रेन नहीं जाना पड़ा, कोरोना की वजह से एंट्री नहीं मिली। हाँ जी, यहाँ पे लगी हुई थी ट्रेन, लगी हुई थी बट कोई बात नहीं। और ये रहा वर्कशॉप, पूरा भी बताना। हाँ, तो अंदर जाके दिखाते हैं आपको कैसा है माहौल। बने रहिए हमारे साथ। तो ये रहा वर्कशॉप, पहले सीधा चलते हैं। आप देख सकते हैं ये रही ये वो चीज है जिसके अंदर लोग कट के खल्लास हो जाते हैं। 5 नंबर पूजा हो चुका है, पापा बोले तो कल ही हो चुका। तो ये सोप नंबर के हिसाब से, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 नंबर सोप है। तो यहाँ से वहाँ से शुरू हो चुकी है एक्चुअली, और ये रही 2 नंबर सोप। तो यहाँ पे अब जितनी भी कैटेगरीज है मशीन की वहाँ पर रखी पड़ी है। अब मुझे नहीं पता किस कैटेगरी किस मशीन से क्या काम होता है, मुझे तो नहीं पता, बट बहुत से लोग घूमने के लिए आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद वहाँ पर आए हैं। और नीचे काफ़ी स्लीपी है, गिरने का भी चांस है, तो मुझे ब्लॉक को काफ़ी सावधान से करना पड़ेगा। तो हम आ गए हैं 5 नंबर शॉप पे। तो यहाँ पे मेरे दादाजी भी यहाँ पे काम कर चुके हैं। पापा के लिए बताती हूँ, पापा के, हाँ पापा के आगे में वहाँ तो प्रसाद खिचड़ी आ चुका है। हाँ चलो खिचड़ी खाते, चलो ना यार प्रसाद था, पूरी प्रसाद नहीं खाने जा रही। इन्हीं समय पर इसमें आग निकलता था, उसमें ना उसमें आग निकलता है अंदर से। तो आप जो देख रहे हैं ये इसी चूल्हे की भट्टी कहते हैं, जिसमें से आगे निकलती थी। तो यहाँ पर सरकार भोजन मिला। और हम बाहर आ चुके हैं, वर्कशॉप के बाहर आ चुके हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, देखते कुछ खाया जाता तो खाएंगे वरना घर चले जाएंगे। मोम का मोम नहीं पे कुछ का तो नहीं खाएंगे यार, नहीं खाया जाएगा। तो हम किनारे कैरेज पे, ये कैरेज के
दूरबीन कहाँ से इतना दूर से देख रहे हैं प्रणाम आंटी ठीक है ना चल रहा है भाई घर बैठ के खा लेते दुबला गए ना ड्यूटी करते तो कोई मोटा से हो क्या कर रहा है पोती है अपने बेटा अब तो सब तरफ से निपट गया ना निपट गया ना बेटी की शादी कर दी है बेटा का भी हो गया पोती भी हो गई मेरी मेरा भी नहीं हां और लेकिन अब दुबला इसके अंदर फंक्शन चल रहा है तो मैं जा नहीं सकती यहाँ पे जाऊँगे तो कॉफी राइट लग जाएगा वैसे भी काफ़ी भीड़ है तो हम सोच रहे कि यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है शाम होने वाली है दोपहर हो चुकी है सुबह से घूम घूम कर आज आना पड़ेगा और कितनी फैमिली यहाँ पे घूमने आए हैं दो साल के बाद दिल खोल कर तो मेरा पैर यहाँ पे बहुत दिन के बाद यहाँ पे सब घूमने के लिए आए हैं और कैसे लगी कैसे लगी हाँ तो हम आ चुके हैं 17 नंबर शॉप में आ चुके हैं बॉडी रिपेयरिंग शॉप यहाँ पे ट्रेन की जो बॉडी रिपेयर होती है आप देख सकते हो और यहाँ पे फाइनली चढ़ ही जाऊँगी देखती हूँ क्या होता है ये मेमो ट्रेन है ये लालगोला टू शियालदा जाती है चलो जाओ और पूर्णिमा जी यहाँ पे चढ़ रही है मस्त चढ़ गई पूर्णिमा जी हर साल यही करने के लिए यहाँ पे आती है तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने लोग चढ़ चुके थे जो इधर रहे तो ये है बोटल सेट तो यहाँ पे मतलब कि गर्मी वगैरह होती है और यहाँ पे कुछ जो डैमेज इंजन्स हैं तो वो यहाँ पे बनने को आती है तो ये एक डैमेज है अच्छा ये कितने साल से रखा हुआ है बताना तो 10-12 साल से रखा है पर इंजन आती है यहाँ पे रिपेयर होती है फिर चली जाती है सारे एक्सीडेंट वाले जो गाड़ियाँ होती है ना मैं मोस्टली मेरे वर्कशॉप में ये भी हाँ तो ये भी एक्सीडेंट वाले ही है ये गाजियाबाद का है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे इंजन आते हैं जी और ये लोकल ट्रेन भी डैमेज है नेक्स्ट में किससे चलूं एक बार फटे दो किससे फटे मैं ऐसे आराम से खड़ी रहती बेटा हाँ रे बाबू छोड़े छोड़िए ये बहुत सालों से है मैं जब बहुत छोटी थी ना तब से मैं देखते आ रही हूँ जब मैं 10-12 साल की थी तब से मैं देखते आ रही हूँ आप देख सकते हैं ये इंजन ये कि ये पे खड़ी है बिल्कुल काफ़ी लंबी काफ़ी बड़ी सी बॉडी है काफ़ी हॉन्टेड लग रहा है ये अंदर में एक बॉटल रखी हुई है और चलिए चलते हैं काफ़ी ठंडी है यहाँ पे और बाहर काफ़ी गर्मी है तो ये खुलता है या नहीं पता अटका हुआ है खैर कोई बात नहीं बहुत बहुत ही बड़ी इंजन है ये चलिए आपको दिखाते हुए ओह शिट मुझे सामने जाने से डर लग रहा है ये गाजियाबाद की इंजन है यहाँ पे आके लगी है यहाँ पे सिर्फ बढ़ने के लिए इंजन आते हैं ढेर सारे और आप देख सकते हो तो पूर्णिमा जी जो है वो
ऊपर चली गई। कहाँ ले बड़ो, हट गया तो नहीं, हट गया, देख बुंदा बुंदा तो यहाँ पे ये टाइमर है और यहाँ पे कार्ड पंचिंग होती है। दो टाइम कार्ड पंचिंग करनी पड़ती थी, एक सुबह के 8 बजे और 11 बजे। तो दो शिफ्ट में जो काम होती थी उसके लिए ये है मशीन। दिखती घड़ी है पर है ये मशीन।